नमोऽरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम् वंदेतु सर्व सिद्धे धूमचलमणो अंगदिं पत्ते ओछामि समय पाहुर सुबह जैसे अपन ने चर्चा की थी कि इस 23 से 25 नंबर की गाथाओं में आचार्य भगवान ने अप्रतिबुद्ध समझाने के लिए प्रयत्न करते हैं ऐसा कहा था और इसकी टीका में कुछ दृष्टांत आचार्य भगवान ने दिए हैं, है ना। तो आज आप पेज निकालो 48। आज अभी अपन मूल टीका से गुरुदेव का जो आया मूल टीका से आज थोड़ी उदाहरणों पर फिर से एक बार चर्चा करते हैं। कितने कितने दृष्टांत आए। पहला दृष्टांत किसका आया था? स्फटिक मणि, बराबर। टीका निकालो पेज नंबर 48। एक ही साथ, टीका से पढ़ रहे हैं सीधे अभी, ना, एक ही साथ अनेक प्रकार की बंधन की उपाधि की अति निकटता से वेग पूर्वक बहते हुए अस्वभाव भावों के संयोगवश जो अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव अनेक प्रकार के वर्ण वाले, कैसा है, अनेक प्रकार के वर्ण वाले आश्रय की निकटता से रंगे हुए स्फटिक पाषाण जैसा है। पहला दृष्टांत दिया स्फटिक मणि, उसमें क्या लिया, देखो नीचे लिया आश्रय माने जिसमें से, जिसमें स्फटिक मणि रखा हुआ हो वह वस्तु उसको बोलते हैं आश्रय। आश्रय माने क्या, जिसमें स्फटिक मणि रखा हो, किसी भी पीतल के बर्तन में रखा हो, स्टील के बर्तन में रखा हो, किसी कलर लगे हुए जगह पर उसको रखा हो, अलग अलग प्रकार के पेपर अलग अलग कलर के उसमें लगा दिए जाएं, है ना, तो उससे क्या हुआ, अत्यंत तिरोभूत हो गया। कौन? स्फटिक का जो मूल स्वभाव है, स्फटिक कैसा है, अपना निर्मल स्वभाव है उसका, तो अब उसका निर्मल स्वभाव होने पर भी वो उस अनेक प्रकार की उपाधि की वजह से वो स्फटिक रंग बिरंगा तो दिखता है, लेकिन उसी समय स्फटिक का स्वभाव विद्यमान होने पर भी वो तिरोभूत हो गया, अर्थात हमारी दृष्टि में नहीं आता। ये एक उदाहरण दिया। तो स्फटिक मणि की भांति ही अपना भगवान आत्मा वास्तव में तो निर्लेप है, उसमें कोई कर्म की उपाधि उपाधि नहीं होती, वो तो उपयोग स्वरूप है। ऐसे शुद्धात्मा का वर्तमान पर्याय में कर्म के साथ का निमित्त नैमित्तिक संबंध, दो बातें समझ लेना कि जो निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है ना वो कभी भी दो द्रव्यों के बीच नहीं होता। क्या कहा? निमित्त नैमित्तिक संबंध कभी भी दो द्रव्यों के बीच नहीं होता, दो द्रव्यों की एक समय की स्वतंत्र पर्यायों के बीच में वो संबंध होता है। आ गया? तो द्रव्य स्वभाव तो कभी विकृत हुआ नहीं, स्फटिक कभी विकृत हुआ नहीं, स्फटिक में
जो रंग बिरंगी जो चित्र विचित्र प्रकार के अलग अलग प्रकार के कलर अपने को दिखाई दे रहे हैं, तो उस समय अपने को स्फटिक का निर्मल स्वभाव दिखाई नहीं दे रहा। इधर क्या हो रहा है, आत्मा के अंदर आत्मा में उपयोग का परिणमन निर्मल स्वच्छ ऐसा उपयोग का परिणमन है, और उसी समय कर्म की उपाधि का संबंध होने से पर्याय में राग द्वेष और मोह भावों का परिणमन भी है, और उपयोग की निर्मलता में उपयोग की स्वच्छता में राग द्वेष आदि का मलिनता का झलकाव होने से अज्ञानी को यह भ्रम हो गया कि मैं रागी मैं द्वेषी मैं मोही। इसलिए वास्तव में होना क्या चाहिए कि मैं तो वो हूं जिसमें ये राग जानने में आया, तो जिसमें ये जानने में आया वो मैं। गलती कहां हुई, जो जानने में आया वो मैं। आ गया, कहां चला गया ये, अपने उपयोग को छोड़ करके उस गेय पे चला गया। ये दृष्टांत स्फटिक मणि का इसलिए आचार्य भगवान ने अपने को दिया। पहला दृष्टांत बहुत समझना, एक एक दृष्टांत बहुत सरल बहुत सरल बहुत समझने योग्य दृष्टांत दिए हैं, है ना। आगे देखो, महाअज्ञान से जिसका हृदय स्वयं ही विमोहित है, इसका क्या अर्थ किया था अपन ने, चल चुकी है चर्चा। महाअज्ञान किसे कहा, कि यही तो महाअज्ञान है कि जिनवाणी ये कहती है कि जिसके प्रकाश में तुझे ये सब प्रकाशित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो वो सारा वो उन सब की तो तू गणना कर रहा है, लेकिन जिसके प्रकाश में ये दिखाई दे रहे हैं उसी को भूल गया है। कोई अपने से कहे कि जाओ वो कमरा है ना अपना, स्टोर है स्टोर, और स्टोर के अंदर एक एक चीज क्या एक एक चीज वहां पर क्या क्या रखी है उसकी एक लिस्ट बना करके लाओ। तो अपन ने क्या किया, जाकर के अपन ने क्या किया, सबसे पहले लाइट का स्विच ऑन किया, ट्यूबलाइट जली, वहां की एक एक चीज की लिस्ट तो अपन बनाते हैं, लेकिन किसको भूल जाते हैं कि जिस लाइट के प्रकाश में हमने ये सब जाना, हम उसी का नकार करते हैं। जिनवाणी ये कहती है कि भाई दीपक का स्वभाव घट पटादि को प्रकाशित करने का है ना, ऐसा बोलते हैं ना कि दीपक घट दीपक के प्रकाश में घट पटादि को प्रकाशित होता है, तो क्या दीपक के प्रकाश में प्रकाशित होने वाले ये घट पटादि ये दीपक के प्रकाश को ही वास्तव में प्रसिद्ध कर रहे हैं, जानने वाला नहीं होता। तो ये राग है ये द्वेष है ये शरीर है ये कर्म है ये है ये है, ये किसने जाना, जानने वाला होना चाहिए ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हर समय जानने वाले का नकार कर रहे हैं और इन गेयों के अंदर लगे पड़े हैं। तो इसलिए कहा महाअज्ञान से जिसका हृदय स्वयं ही विमोहित है, ऐसा अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव स्वपर का भेद न करके क्या करता है, उन अस्वभाव भावों को ही जो अपने स्वभाव नहीं है ऐसे विभावों को ही अपना करता हुआ। अपना करता हुआ का मतलब क्या, कि स्वपर का भेद नहीं है ना, ये जानने वाला ये मैं हूं, ये जानने में आ रहा है ये सब मुझसे पर है, ऐसा भेद नहीं करके जो अपने स्वभाव भाव नहीं है उन अपने स्वभाव भावों को अपना करता हुआ। करता हुआ का मतलब क्या है, यहां पे अपना मानता हुआ, उस रूप अपने को अनुभव करता हुआ, उस रूप ही अपने को मानता हुआ क्या करता है कि पुद्गल द्रव्य को यह मेरा है इस प्रकार अनुभव करता है। ये टीका का शब्द है। अब इसमें कोष्टक में जो स्पष्टीकरण किया, एक कोष्टक का इतिहास भी सुन लो कि जब ये समय सार की टीका लिखी गई, पंडित जयसिंह जी साहब की टीका थी भावानुवाद के रूप में, और पंडित हिम्मत भाई ने फिर इसका शब्दानुवाद किया, तो जहां पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता लगी तो गुरुदेव श्री की
जानकारी में देकर और गुरुदेव श्री से एक तरह से समझ लो पास करवा के एक कोष्टक डाले गए। कोष्टक में लिखे गए शब्द टीका के मूल शब्द नहीं है, टीका के भाव को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक डाले हैं। और ये गुरुदेव के जमाने की पद्धति है कि आपको अपनी कोई बात लिखना हो, कोई स्पष्टीकरण के लिए लिखना हो, तो या तो उसे फुटनोट में डालो और या तो उसे कोष्टक में डालो। तो ये कोष्टक जितने हैं ये गुरुदेव श्री की आज्ञा से उनको दिखाकर उनको पास करवा करके ये डाले गए थे। और इसलिए आपको, आपने जब ये मूल ग्रंथ आप पढ़ेंगे गुरुदेव श्री के प्रवचनों के वर्ड टू वर्ड, तो जहां कोष्टक में भी कोई वाक्य लिखा है तो गुरुदेव ने उस वाक्य को भी पढ़ा है और उसका भी स्पष्टीकरण किया है। तो यहां देखो कि जैसे स्फटिक पाषाण में अनेक प्रकार के वर्णों की निकटता से अनेक वर्ण रूपता दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है वो? तो अज्ञानी की नजर तो क्या, अज्ञानी तो क्या कहेगा क्या वो क्या दिखाई देती है, वो अनेक प्रकार के रंग लगे हैं ना वहां पे, तो उसके कारण से वो दिखाई देती है कि भाई वो तो ठीक है, वो तो आचार्य भी लिख रहे हैं इसमें, वो शब्द तो लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि देखो वो जो स्फटिक मणि अनेक प्रकार के वर्ण, वर्णों की निकटता से, तो उन निकटता से माने उन अनेक प्रकार के वर्णों के कारण स्फटिक निर्मल वो अनेक प्रकार के वर्ण वाला दिखाई देता है, कहना ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? तो अगर स्फटिक में स्वयं उस प्रकार के रंग रूप परिणमने की योग्यता नहीं होती तो लकड़ी में या किसी अन्य चीज में आप अनेक प्रकार के रंग लगाओ आपको वो अनेक प्रकार के रंग रूप दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसमें योग्यता नहीं है। वो अनेक प्रकार के वर्ण वो तो निमित्त है और स्फटिक में उस वर्ण के आकार रूप परिणमने की स्वयं की योग्यता है। भले ही वो योग्यता एक समय की है लेकिन वो स्वयं की योग्यता है। तो स्वयं की योग्यता से निमित्त कौन हो गया? तो अनेक प्रकार के वर्णों की निकटता से अनेक वर्ण रूपता दिखाई देती है। स्फटिक का निज श्वेत निर्मल भाव दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार अज्ञानी को कर्म की उपाधि से आत्मा का शुद्ध स्वभाव आच्छादित तो हो रहा है। कर्म की उपाधि से, इसका मतलब हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि कर्म की उपाधि ने आत्मा के निर्मल स्वभाव को आच्छादित कर दिया है। कर्म की उपाधि माने क्या? देखो दो बातें समझना। कर्म की उपाधि माने क्या? कि यदि हम कर्म के उदय में जुड़ते हैं तो वो कर्म की उपाधि कहलाती है। यानी हम कर्म के उदय में जुड़कर, कर्म की उपाधि में जुड़कर औपाधिक भाव करें तो कहलाती है कर्म की उपाधि। और जिस समय कर्म का उदय चल रहा है उसी समय हम अपने उपयोग को अपनी आत्मा में लगा दें तो वो कहलाती है कर्म की निर्जरा। आगे बात समझ में। होली का त्योहार होता है तो होली के त्योहार में क्या होता है कि पूरे सड़कों पर पूरे बाजार में गुलाल उड़ती है। हम यदि अपनी खिड़की से अपना चेहरा बाहर निकालें तो गुलाल अपने चेहरे पर लगेगी लगेगी और लगेगी। गुलाल उड़ रही है और अगर हमने अपने खिड़की दरवाजे पूरी तरह पैक कर दिए, बंद कर दिए, सड़क पर कितनी ही गुलाल उड़े हमारे चेहरे पर गुलाल का एक अंश भी आने वाला नहीं। ये कर्म की उपाधि माने कर्म की उपाधि तो प्रति समय आएगी, आ ही रही है। सवाल यह है कि हम उस उपाधि में जुड़कर औपाधिक भाव करते हैं या अपने स्वभाव में जुड़कर निरुपाधिक भाव करते हैं। औपाधिक भाव करते हैं तो
तो उसे उपाधि कहा जाएगा कर्म के उदय को, और अगर अपने स्वभाव में जुड़ करके निर्मल भाव करते हैं तो उस कर्म के उदय को निर्जरा कहा जाएगा, क्योंकि वो तो निर्जरा हो गई, है ना। प्रवचन सार में 55 नंबर 45 नंबर की गाथा में जयसेन आचार्य का एक वचन है, वो समय सार में भी है और वो उनका पंचाशीक आय की टीका में भी है। उन्होंने लिखा, द्रव्य मोह का उदय होने पर भी यदि निज शुद्धात्म भावना के बल से भाव मोह रूप प्रणमन ना करे तो इस जीव को बंद नहीं होता, क्योंकि यदि कर्म के उदय मात्र से बंद होने लगे, विकार होने लगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो कर्म का उदय सदैव विद्यमान रहता है, इसलिए कभी भी तेरा मोक्ष नहीं होगा। आ गया बेटा समझ में? तो ये शब्द देखो, शब्द तो क्या होता है कि एक प्रॉब्लम क्या है कि शब्द तो जिनवाणी में बहुत संक्षिप्त होते हैं, माने बहुत कम शब्दों में बहुत बात आचार्य भगवान को कहनी होती है, तो शब्द तो बहुत कम आएंगे, उसका वाच्य अपने को निकालना पड़ेगा। गुरुदेव श्री जब जब भी स्फटिक मणि का दृष्टांत देते हैं, आगे बंद अधिकार में भी यह दृष्टांत दिया, तो वहां ये कहते हो इस बात को कि देखो इस वो जो वर्ण की उपाधि है कि वो उपाधि तो निमित्त है, और स्फटिक में उस प्रकार के रंग रूप परिणमने की अपनी उस समय की योग्यता है। अपनी योग्यता नहीं हो तो गुरुदेव कहते थे लकड़ी में लगाओ कलर, देखें लकड़ी में उस प्रकार के कलर दिखते हैं क्या, पत्थर में लगाओ कलर, क्या पत्थर उस प्रकार के कलर रूप दिखता है क्या। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसमें योग्यता होती है कर्म का, अब इसी बात को समझो कि कर्म का उदय तो अपने को भी आता है, और कर्म का उदय मुनिराजों को भी आया, आया कि नहीं आया, पाप कर्म का उदय मुनिराजों को भी आया, उनके ऊपर भी उपसर्ग हुए है ना, किसी को स्यालनी खा रही है, किसी के गले में मरा हुआ सर्प डाला जा रहा है, किसी के सिर पर पत्थर बरस रहे हैं, कर्म का उदय तो आया, और कर्म के उदय में बाहर की परिस्थिति भी जैसी बनने की थी वैसी बनी। हम जरा सा कर्म का प्रतिकूल उदय आता है तो उस उदय में जुड़ करके नए राग द्वेष मोह के परिणाम करते हैं, और नए मोह राग द्वेष के परिणाम करके नया कर्म का बंद करते हैं, और ज्ञानी क्या करते हैं कि वो कर्म का उदय आया तो उस कर्म के उदय की ओर झांकते नहीं, और अपने चिदानंद स्वरूप में अपनी एकाग्रता करते हैं। होता क्या है, कर्म का उदय जय जिनेन्द्र करके चला जाता है, यहां अपनी दाल गलने वाली नहीं है। लोक में क्या होता है, देखो लोक में क्या होता है कि लोक में कोई मेहमान अपने घर पर आया और आपने उससे कहा, भाई साहब जय जिनेन्द्र, अपना ही घर समझना, किसी तरह का संकोच मत करना, ये आप ही का घर है, ऐसा है वैसा है, आपने उसकी आव भगत की तो वो ठहरेगा। नियम है कि नहीं, सीधा सा नियम है ना। और वो मेहमान आपके घर में आया और आप उसको पीठ देकर के अपना काम करने लगे, दो चार मिनट वो रहा, आपने उसकी ओर देखा भी नहीं, शर्मदार होगा तो दोबारा कभी आपके घर में आएगा। और पंडित जी तो एक बहुत बढ़िया बात कहते थे, पंडित कैलाश चंद जी बहुत अच्छी बात कहते थे कि कोई मेहमान तुम्हारे घर में आया, सर्दी का महीना हो, नीचे से उसने बेल बजाई, ऊपर से एक ठंडी बाल्टी पानी और डाल दो तो फिर क्या होगा, गर्मी में गर्म डाल दो, चलो फिर क्या होगा कि जिंदगी में कभी नहीं आएगा, बराबर है कि नहीं, है ना। इसी तरह कर्म का उदय तो आता है क्योंकि कर्म तो सत्ता में पड़े हैं, तो प्रति समय उदय आ रहा है उनका। तुम अपने शुद्धोपयोग अपने स्वभाव में लीन होकर, अपने स्वभाव की दृष्टि ज्ञान और अनुभूति करके उस कर्म का लक्ष्य छोड़ दो, उस कर्म की ओर लक्ष्य नहीं दो, तो कर्म इतना गैरतमंद है कि वो दोबारा नहीं आएगा। और जो उस आपने कहा, अरे भैया बहुत अच्छा, तुम सातावेदनी, अच्छा सातावेदनी हो, बहुत बढ़िया, फलाने कर्म हो, बहुत बढ़िया, और जो ही तुमने उस कर्म से जय जिनेन्द्र की तो वो कर्म ये कहता है कि भाई साहब मेरा तो समय हो गया, लेकिन आपका बहुत आग्रह है
आपने मेरी बहुत आव भगत की है, तो मैं तो नहीं ठहर सकता, क्योंकि उदय आया वो तो निर्जरित होगा, मैं तो नहीं ठहर सकता, लेकिन मैं अपने भाई बंधुओं को आपके घर पे छोड़ के चला जाता हूं। समझ में आ गया? और नए कर्म का बंध वहां पर हो जाता है। ये कहना चाह रहे हो, हमें क्या करना वो नक्की आपको करना है। आ गया भैया? उसी प्रकार ये आ गया ना, देखो ये यहां पे देखो, ये अपना पढ़ा अभी अपन ने। हाँ, देखो ये हो गया ना, स्फटिक मणि का निज श्वेत निर्मल भाव दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार अज्ञानी को कर्म की उपाधि से, समझ आ गया? कर्म की उपाधि का मतलब आत्मा का शुद्ध स्वभाव आच्छादित हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कर्म की आव भगत में लगा हुआ है। कर्म की उपाधि माने क्या? कि कर्म की आव भगत में लगा हुआ है, तो उसे अपना भगवान आत्मा का शुद्ध स्वभाव आच्छादित ही हो गया, मैंने उसे वो दिखाई नहीं देता। उसे क्या दिखाई देता है? उसे कर्म और कर्म के लक्ष्य से उत्पन्न हुए भाव ही दिखाई देते हैं, राग हो, पुण्य हो, पाप हो, ये हो, वो हो, सब दिखाई नहीं देता। इसलिए पुद्गल द्रव्य को अपना मानता है। अब जब दिखाई नहीं देता, शुद्ध स्वभाव तो दिखाई नहीं दिया, और वो कर्म की उपाधि में वही भाव उसे दिखाई दिए, वहां पर भेद ज्ञान नहीं किया कि ये भाव जो मुझे दिखाई दिए कि इन भावों में तो जान पना है नहीं, इन भावों में तो जानने की ताकत है नहीं, तो जिसकी सत्ता में ये जानने में आए वो मैं, ये भेद ज्ञान उसको नहीं होता, और अपने को वो रागादि रूप ही, पुद्गल रूप ही, पुद्गल द्रव्य को अपना मानता है, अर्थात रागादि रूप ही अपने को मानता है। ये उन्होंने अज्ञानी की पोजीशन बताई, ठीक है? क्या कहा? ये क्या बताई उन्होंने? अज्ञानी की वर्तमान में क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है वो बताई, और फिर उसके बाद कहा कि ऐसे अज्ञानी को अब समझाया जा रहा है। किस अज्ञानी को? जिसको वास्तव में समझने की जिज्ञासा है, ऐसे अज्ञानी को। ये भी ध्यान देना, क्योंकि ये पढ़ेगा कौन? जिसको समझने की जिज्ञासा होगी। तो ऐसे अज्ञानी को अब समझाया जा रहा है कि रे दुरात्मन, सुबह गुरुदेव श्री के आधार से लिया था ना अपने, कि रे दुरात्मन, कितना कठोर शब्द लगेगा अपने। फिर आगे यही नहीं रुके आचार्य, आत्मघात करने वाले रे दुरात्मन, आत्मघात करने वाले मतलब अपनी आत्मा की हत्या करने वाले। क्यों? क्योंकि हर समय तेरे को तेरा स्वभाव विद्यमान होने पर भी, उसका उपयोग रूप परणमन होने पर भी, तू राग द्वेष में कर्म की उपाधि में इतना उलझ गया कि तू अपने आत्म स्वभाव को देखने के लिए निवृत्त ही नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? कि तू प्रति समय अपनी आत्मा की हत्या कर रहा है। इसलिए कहा, हे दुरात्मन, आत्मघात करने वाले। इसके बाद फिर दूसरा दृष्टांत, क्या दृष्टांत दिया दूसरा? कि जैसे परम अविवेक पूर्वक, माने अविवेक की पराकाष्ठा है, अविवेक शब्द नहीं लिखा, क्या शब्द लिखा? परम अविवेक, महामूढ़ सिद्ध करना है ना यहां पे, मूर्खों के सरताज है ना। तो यहां पे क्या दृष्टांत दिया? कि परम अविवेक पूर्वक खाने वाले, माने हाथी आदि खाता है ना, आदमी खाता है तो विवेक से खाता है, नहीं खाता। मैंने कल उदाहरण दिया था, मैंने कोई थाली में ज्यादा गंदगी करे तो अपन क्या कहते, क्या जानवरों की तरह खा रहे हो, ढंग से नहीं खा सकते क्या? मम्मी बोलती कि नहीं बोलती है? थाली में बहुत गंदगी कर दें, टेबल पर बहुत गंदगी कर दें, जिस चटाई पर बैठे हो उस चटाई पर बहुत गंदगी कर दें, डाइनिंग टेबल पर बैठे हो तो डाइनिंग टेबल को पूरी गंदी कर दें, तो मम्मी क्या बोलती है? आदमी की तरह खाना नहीं आता तुमको, जानवरों की तरह खा रहे हो। ऐसे यहां पे कह रहे हैं, परम अविवेक पूर्वक खाने वाले, हाथी का, हाथी आदि जो जानवर है ना, वो परम अविवेक पूर्वक खाते हैं। कैसे खाते हैं? परम अविवेक पूर्वक,
पशु सुंदर आहार को तृण सहित खा जाते हैं, माना उनको आप चूरमा के लड्डू रखो और घास रखो, अपने को अपनी थाली में नमकीन आवे और अपनी थाली में मीठा आवे, तो दोनों को मिला के खाता है कि? देखो तो अंदर तो सब मिलना है ना, मिलना है ना, अंदर सभी मिल जाएगा ना, जो भी खाओगे सब मिलेगा एक साथ बराबर। लेकिन जब खाते हैं तब अपन नमकीन और कोई भी मीठा बना हो तो नमकीन और मीठे को मिला करके खाते हैं कि अलग अलग खाते हैं? अलग अलग क्यों खाते हैं? क्योंकि अलग अलग स्वाद लेना है, आ गया, अलग अलग खाते हैं ना। और हाथी को क्या करते हैं कि हाथी को तुम चूरमा के लड्डू दो और घास भी डालो तो वो उनको मिलाएगा और मिला करके उनको खा जाएगा। इसलिए यहां पर कहा कि पशु सुंदर आहार को तृण सहित खा जाते हैं, उसी प्रकार खाने के स्वभाव को तू छोड़ छोड़, दो बार छोड़ छोड़ देखा, सुंदर आहार को तृण सहित खा जाते हैं, सुंदर आहार की जगह रखो अपना उपयोग लक्षण, निर्मल स्वच्छ पवन पवित्र, ऐसा जो अपना उपयोग लक्षण है वो है चैतन्य का आहार। और तृण सहित खा जाते हैं माने इसके स्थान पर रखो रागादि भाव, यानी रागादि भाव की और उपयोग की भिन्नता को नहीं देखकर, जैसे वो हाथी आदि पशु कितना ही सुंदर से सुंदर आहार दो उसे, बहुत बढ़िया इमरती जलेबी बनी हो और कोई उस हाथी को जलेबी खिलावे और वहां पर घास भी रखी हो, तो उस हाथी का स्वरूप यह है कि वह हाथी उस घास के साथ में उस सुंदर आहार को मिला करके खाएगा। हम अपने उपयोग माने सुंदर आहार और ये मलिनता राग द्वेष पुण्य पाप आदि की मलिनता माने इसको बोलेंगे तृण, और दोनों को मिला करके यानी दोनों का भेद ज्ञान नहीं करके, यानी अपने को राग रूप ही अनुभव करके आत्मा को रागी द्वेषी मोही अनुभव करते हैं, तो अपनी तुलना उन्होंने उन हाथी आदि पशुओं से की है। दूसरा उदाहरण समझ आया कि नहीं आया? समझ आया? दूसरा उदाहरण क्या दिया, किससे तुलना की दूसरे उदाहरण में अपन लोगों की, हाँ, हाथी आदि पशुओं से अपनी तुलना की। कोई भी पशु हो उसका स्वरूप है, कितनी भी बढ़िया से बढ़िया चीज मिलाओ, जिसको गंदी चीज खाने की आदत है तो बढ़िया चीज मिलाओगे तो भी उस गंदगी के साथ मिला के खाएगा, ये स्वरूप है। आचार्य कहते भाई इस प्रकार के स्वभाव को तू छोड़ छोड़, दो बार कह रहे हैं छोड़ छोड़, इसमें भी आचार्य भगवान की करुणा है। तीसरा कि जिसमें समस्त संदेह है, संदेह माने संशय, विपर्य माने विपरीतता और अनद्य वसाय दूर कर दिए गए हैं। क्या मतलब? ज्ञान के तीन तरह के दोष होते हैं, संशय, ऐसा है कि ऐसा है, ऐसा है कि ऐसा है, विपर्य जैसा स्वरूप है उससे उल्टा मानना, और अनद्य वसाय अरे कुछ होगा इन लोगों को, कुछ काम तो है नहीं, है ना, शिविर लगा दिया हम लोगों को, जबरदस्ती बैठा दिया, काम धाम तो इनको तो कुछ काम है नहीं, है ना, इस तरह उसकी उपेक्षा करना। संशय माने डामाडोल ज्ञान, मैं ज्ञान हूं कि राग, अरे राग भी तो आत्मा की पर्याय में होता है, फिर राग कैसे आत्मा नहीं है? राग कोई जड़ में होता है क्या? राग कोई इसमें होता है क्या? राग कोई दीवार में होता है क्या? है ना, इस तरह अपनी मान्यता और मैं आत्मा हूं, भाई आचार्य आत्मा भी कहते हैं राग, कहीं आत्मा कहीं राग को भी आत्मा का, आत्मा को राग का कर्ता कहा, अरे समय सार में नहीं कहा तो क्या हुआ, प्रवचन सार में तो कहा, यानी एक संशयात्मक ज्ञान अपना हो गया, निर्णय नहीं कर पा रहे, एक विपरीतता में चढ़ गए और एक अपेक्षा ही नहीं कुछ होगा होगा, अपने क्या करना है छोड़ो ना, एक घंटा पूरा करो जाओ क्या करना है,
है ना ऐसा। तो वो कह रहे हैं कि अनंत वसाय जिसमें से क्या कर दिए गए हैं, दूर कर दिए गए हैं, माने ना तो संशय है, ना तो विपर्य है और ना तो अनद्य वसाय है। एक और क्या है कि और जो विश्व को माने समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने के लिए एक अद्वितीय ज्योति है। अब सर्वज्ञ भगवान की बात कर रहे हैं ना, तो सीधे ये नहीं कह रहे भैया केवली भगवान ने कहा है, भैया केवली भगवान ने कहा है। तो पहले वो केवली भगवान है क्या चीज, जैसे अपन बोलते कि नहीं बोलते कि भाई सब क्या हुआ कि पंचकल्याण में गए थे, कहां गए थे, क्या देखा, अरे साहब सोधर्म इंद्र ने क्या तांडव नृत्य किया। तो अपन क्या समझते हैं सोधर्म इंद्र जैसे किसी का नाम होगा, फिर जब उसे सोधर्म इंद्र की व्याख्या की जाती है कि जानते हो सोधर्म इंद्र कौन होता है कि 32 लाख विमान का स्वामी होता है। तो अपन ने समझे जैसे 32 लाख कारें मोटरें खड़ी होंगी, तो फिर कहा जाता है कि 32 लाख विमान का मतलब समझते हो कि क्या मतलब कि एक एक विमान में असंख्यात असंख्यात देव होते हैं। अच्छा ठीक है, क्या देव का मतलब समझते हो कि एक देव के गले में पड़े हुए माला की कीमत वर्तमान विश्व के सारे पूंजीपतियों की पूंजी इकट्ठी कर लो तो भी उसके मणियों की माला की कीमत पूरी नहीं हो सकती, ऐसी ऐसी उनके गले में माला होती है। अब आया इंद्र का मतलब समझने कि इंद्र माने क्या, कि 32 लाख विमान, एक एक विमान में असंख्यात असंख्यात देव और एक एक देव के एक एक मणि रत्न के हार की कीमत इतनी, तब अपने को उस इंद्र की महिमा आती है। सर्वज्ञ परमात्मा कौन, तो अपने को ऐसा लगे कि सर्वज्ञ ने कहा है, तो कहे किसी का नाम सर्वज्ञ हो ना, कहा उसने कहा होगा। सर्वज्ञ माने कौन, कि भाई जिसके ज्ञान में संशय विपर्य और अनद्य वसाय दूर कर दिए गए हैं, मतलब जिनके ज्ञान में ये दोष नहीं होते, एक बात। और जो विश्व को, विश्व माने क्या कि छह द्रव्य में अनंत, एक एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण, एक एक गुण में एक एक गुण की अनंतानंत पर्याय, अरे एक एक पर्याय के अनंत अनंत अविभागी प्रतिच्छेद आ गया। कितने गुण, एक द्रव्य में कितने गुण, कि जीव अनंत, जीव से अनंत गुणे अधिक पुद्गल, पुद्गल से अनंत गुणे अधिक तीन काल के समय, तीन काल के समय से अनंत गुणे अधिक आकाश के प्रदेश और आकाश के प्रदेश से अनंत, एक एक द्रव्य में गुण हैं, चाहे वो जीव हो और चाहे वो पुद्गल हो, कोई द्रव्य हो, इतने इतने गुण और एक एक गुण की कितनी कितनी पर्याय, तो तीन काल के जितने समय हैं उतनी उतनी पर्याय एक एक गुण में होती है। अब आप सोचो, सोचो इतने सबको कैसे जानते हैं वो, प्रकाशित करने के लिए एक एक अद्वितीय ज्योति है, ऐसा केवल ज्ञान है। आगे बात सामने, कैसा केवल ज्ञान, संशय विपर्य अध्यवसाय जिस ज्ञान में नहीं है, सारे विश्व को प्रकाशित करने के लिए जो एक अद्वितीय ज्योति है, विश्व का कोई पदार्थ केवल ज्ञान के, केवल ज्ञानी के ज्ञान में जानने में न आवे ऐसा कोई हो नहीं सकता, और केवल ज्ञानी विश्व के पदार्थों को जानने के लिए उन पदार्थों के सामने गिड़गिड़ावे ऐसा कभी हो नहीं सकता। वो पदार्थ ज्ञान में आते नहीं, ज्ञान पदार्थों में जाता नहीं,
केवली भगवान अपने आनंद का रस घटाघट पीते हुए उनके ज्ञान की स्वच्छता में सारा लोकालोक प्रतिबिंबित हो जाता है। ऐसा केवल ज्ञान जिसको क्या कहा यहां पे कि एक वो एक ही ज्योति ऐसी है, पांच ज्ञानों में मात्र एक मात्र केवल ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो इस तरह से विश्व को प्रकाशित करता है। इसलिए उन्होंने कहा एक अद्वितीय, दूसरा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसी ज्योति है, ऐसे सर्वज्ञ ज्ञान से स्फुट, ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा ने अपने ज्ञान में जान करके उसको प्रकट किया है। लोक में आपको कोई कहे, बात बात का वजन होता है ना, कि लोक में अपने को एक आदमी कहे कि भाई साहब आज आपके नाम पर 5 करोड़ की आप 5 करोड़ का इनाम घोषित करता हूं, तो प्रसन्न हो आप। फिर पूछा भाई साहब ये बताओ जरा ये 5 करोड़ का इनाम मेरे लिए किसने घोषित किया है, करे तुझे पता नहीं वो केल जैन के सामने भीख मांगता है ना। उस भिखारी ने कहा है कि मैं 5 करोड़ का इनाम घोषित करता हूं। आपको कितनी प्रसन्नता होगी 5 करोड़ के इनाम घोषित होने पर, कितनी प्रसन्नता होगी। और प्रधानमंत्री कार्यालय से आपके नाम पर पत्र लिखा गया कि इस विद्यार्थी को इस साल का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का अवार्ड घोषित करते हुए 5 करोड़ की राशि इनाम में दी जाती है, भले ही आपको अभी इनाम की राशि नहीं मिली लेकिन घोषित करने वाला कौन है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने, भारत सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये घोषित किया है, आपको लेटर दिया है, न्यूज चैनलों पर समाचार दिया है, आपका फोटो भी है उसमें। बोलो अभी आपको भरोसा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। ये कौन कह रहे हैं कि जिनके ज्ञान में सारे संशय दूर हो गए हैं, इस विश्व को प्रकाशित करने वाले, ऐसा कोई पदार्थ नहीं, कोई पदार्थ विश्व का यह कहे कि केवल ज्ञानी की दादागिरी नहीं चलेगी। क्या दादागिरी नहीं चलेगी कि वे सारे पदार्थों को जानेंगे, क्यों जानेंगे, मैं अपने ज्ञान, मैं अपने को केवल ज्ञान में जानने नहीं दूंगा। कोई पदार्थ केवल ज्ञान के साथ बगावत करे कि मैं केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में अपने आप को जानने नहीं दूंगा, कि तेरी सत्ता विश्व में नहीं रहेगी तो केवल ही भगवान नहीं जानेंगे, लेकिन अगर तेरी सत्ता विश्व में है तो केवल ही भगवान उस सत्ता को ना जाने, ऐसा 3 काल में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि केवल ही भगवान जानने में जाते नहीं और कोई पदार्थ उनके ज्ञान में जानने में आए बिना रहता नहीं, ऐसा केवल ज्ञान है। और ऐसे केवल ज्ञानी परमात्मा ने यह बात कही है, क्या कही है, क्या कही है कि जो नित्य उपयोग स्वभाव रूप जीव द्रव्य, क्या कहा, कैसा जीव द्रव्य, कि जो नित्य उपयोग स्वभाव रूप जीव द्रव्य, माने जीव द्रव्य का स्वभाव केवल ज्ञानी परमात्मा ने नित्य उपयोग स्वरूप घोषित किया है। और घोषित किया है तो माने उन्होंने कोई घोषणा की, ऐसा नहीं, जैसा स्वभाव है वैसा उनके ज्ञान में आया, और जैसा उनके ज्ञान में आया निरक्षरी दिव्य ध्वनि जो कि बिना इच्छा के खिरती है, उस दिव्य ध्वनि में ऐसी घोषणा की गई। बोलो, जीव के जीव स्वभाव की घोषणा करने वाले केवल ज्ञानी परमात्मा हैं। इसका मतलब क्या कि जो जीव के ऐसे स्वभाव को नहीं मानता वो केवल ज्ञानी के खिलाफ बगावत पर उतरा है। और ये एक केवल ज्ञानी ने नहीं कहा, भूतकाल के जितने केवली हुए,
वर्तमान में विदेह क्षेत्र में जितने केवली भगवान विराजमान हैं और भविष्य काल में जितने केवली भगवान होंगे, उन सब की दिव्य ध्वनि में जीव का स्वभाव उपयोग लक्षण ही आएगा। क्या मतलब? कि तेरे इस स्वभाव की घोषणा, तेरे इस स्वभाव की सत्ता का, सत्ता की घोषणा अनंत केवली परमात्मा की दिव्य ध्वनि में हुई है। यदि तू अपने ऐसे स्वभाव को स्वीकार नहीं करता तो तू अनंत केवलियों के साथ बगावत कर रहा है, तू अनंत केवलियों का अवर्णवाद कर रहा है। अनंत वीतरागी संतों ने इस बात को कही है, कह रहे हैं और आगे कहेंगे, तुम उन सबका अनादर कर रहा है, तेरा क्या होगा? सोचना जरा भैया, कितना भयंकर पाप होता है एक सिद्धांत का अपलाप करने में कितने ज्ञानियों के साथ हम बगावत करते हैं। उससे उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सारे बागी हो जाओ, क्या फर्क पड़ेगा उन केवल ज्ञानी भगवान को? केवल ज्ञानी भगवान अपने ज्ञान में ये जान लेंगे, हमने इसका जीव स्वभाव कहा पर ये बागी लोग मानते नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि अगली पर्याय भी उनने देख रखी है अपनी, कि अपन कहां जाने वाले हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, वो तो जानते हैं, है ना भाई। समझो कि ये जो जीव स्वरूप जीव द्रव्य है, कि वह पुद्गल द्रव्य कैसे हो गया कि जिससे तू यह अनुभव करता है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है, यह प्रश्न है। कि तू नक्की तो कर कि तू पुद्गल द्रव्य हो कैसे गया, भगवान ने तो तेरे को ज्ञान स्वरूप कहा था, भगवान की वाणी तो, भगवान का ज्ञान तो अन्यथा हो सकता नहीं, लेकिन तूने भगवान भगवान के ज्ञान का और भगवान की वाणी का विरोध करके अपने को पुद्गल द्रव्य स्वरूप माना, तेरा अनंत संसार भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। तूने अपने को चैतन्य स्वरूप अनुभव किया, तेरे अनंत भव केवल ज्ञानी के ज्ञान में नहीं झलक रहे, नक्की कर ले, मान के देख और यहां से विदेश क्षेत्र जाके पूछ लेना भगवान से, भगवान मेरे कितने भाव, भगवान कहेंगे दो चार भाव में तेरी मुक्ति। नहीं मान करके देख और भगवान सिमंदर परमात्मा से विदेश क्षेत्र में जाके पूछ लेना भगवान मेरे क्या भाव हैं, कहते दो चार भाव में निगोद है, नहीं बचा सकता भाई। अरे भगवान मैं इतना कुछ कर रहा हूं ना, आपका मंदिर बनाया है आपके लिए, ये आपकी धर्म प्रभावना मैंने की है, मैंने इतने तप किए हैं, इतने व्रत किए हैं, इतने अनुव्रत पाले हैं, इतने महाव्रत पाले हैं, तो कोई बात नहीं ये सब तो तूने पाले, लेकिन उसके साथ में एक और चीज तूने पाली थी कि मैंने इतना किया, ये मिथ्यात्व भी तूने पाला था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सोचना जरा, दुनिया में जैन दर्शन का ये कर्म सिद्धांत ऐसा है कि तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, कर्म सिद्धांत को कभी धोखा नहीं दे सकते। अपने अभिप्राय का फल अपने को न आवे, भाई श्री के वचनामत में आया 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा, नक्की तो करो भैया। बराबर समझ में आ रही है बात? देखो कैसे हो सकता है, क्योंकि यदि किसी भी प्रकार से जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप हो और पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य रूप हो, तभी नमक का पानी यानी इस प्रकार के अनुभव की भांति ऐसी अनुभूति वास्तव में ठीक हो सकती है कि यह पुद्गल द्रव्य है, मेरा है, किंतु ऐसा किसी भी प्रकार से नहीं बनता। देखो उसका दृष्टांत दिया, क्या दृष्टांत दिया, अब तीसरा दृष्टांत, क्या दृष्टांत दिया कि जैसे खारापन जिसका लक्षण है, मैंने आज इसीलिए मैंने कहा आज टीका के आधार पर अपन पूरी बात एक बार आपके सामने आ जाएगी। देखो कि खारापन जिसका लक्षण है ऐसा नमक
पानी रूप होता दिखाई देता है, और द्रवण द्रवत्व माने प्रवाहीपना जिसका लक्षण है, ऐसा पानी नमक रूप होता दिखाई देता है। माने पानी का नमक और नमक का पानी, पानी का नमक और नमक का पानी, ये तो दिखाई देता है। इसके इसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि खारेपन और द्रवत्व का एक साथ रहने में अविरोध है। अविरोध है, मैंने कोई विरोध नहीं है। नमक का पानी हो सकता है, पानी का नमक हो सकता है ना, अर्थात उसमें कोई बाधा नहीं आती। इस प्रकार नित्य उपयोग लक्षण वाला जीव द्रव्य, एक और नित्य उपयोग लक्षण वाला जीव द्रव्य, दूसरी तरफ पुद्गल द्रव्य। जीव द्रव्य कभी भी पुद्गल द्रव्य होता दिखाई नहीं देता। नमक का पानी तो दिखाई देता है, पानी का नमक होता तो दिखाई देता है, लेकिन नित्य उपयोग लक्षण जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य होता हुआ दिखाई नहीं देता। देता है कौन कह रहे हैं कि दिखाई नहीं देता? अमृत चंद्र आचार्य कह रहे हैं, कुंद आचार्य कह रहे हैं। कुंद आचार्य कह रहे हैं कि हम सिमंदर भगवान की सभा में गए थे और हमने सिमंदर भगवान से पूछा था, तो उनको भी दिखाई नहीं दे रहा था ऐसा, है ना? बोलो, भगवान को जो चीज दिखाई नहीं दे, वीतरागी संतों को जो चीज दिखाई नहीं दे, अज्ञानी को वो दिखाई देता है। क्यों? भगवान से ज्यादा जानता है ना, तो जो चीज भगवान ने नहीं जानी वो मैंने जानी नहीं। भगवान से ज्यादा ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? हैं? कि जो तेरी डेढ़ अकल है ना, ये तेरी डेढ़ अकल तुझ पे भारी पड़ेगी बेटा। भगवान को जो दिखाई नहीं देता वो मुझे दिखाई देता। अरे भगवान ने नहीं देखा तो क्या हुआ? मैंने देखा। ये जो डेढ़ अकल है ना, कि बहुत भारी पड़ी। आगे बात समझ में? दिखाई नहीं देता और नित्य अनुपयोग, अनुपयोग माने जड़ लक्षण वाला पुद्गल द्रव्य माने रागादि भाव, वो जीव द्रव्य होता हुआ देखने में नहीं आता। आचार्य कहते हमें तो दिखाई नहीं देता। 372 नंबर की गाथा में भी ऐसे ही लिखा उनने, कुमार घड़े का उत्पादक के कहते हमें तो दिखाई नहीं देता। क्या लिखा? कुमार घड़े की उत्पत्ति करता है, कहते हमें तो दिखाई नहीं देता। बाई ने रोटी बनाई, कहते हमें तो दिखाई नहीं देता। अग्नि से पानी गर्म हुआ, हमें तो दिखाई नहीं देता। पेट्रोल से गाड़ी चली, हमें तो दिखाई नहीं देता। टेलर ने कपड़े सिए, हमें तो दिखाई नहीं देता। लुहार ने हथौड़ी बनाई, हमें तो दिखाई नहीं देता। जितने जितने दृष्टांत लो, आचार्य कहता वो ये अज्ञानी कहता कि महाराज थोड़ा चश्मा लगाओ। हाँ, अज्ञान का चश्मा लगाओ, मोह का चश्मा लगाओ, हमारी हमारी हमारे बहुमत के साथ आ जाओ। नहीं, बहुमत तो अज्ञानियों का ही है। नहीं, अरे सच है बात, तुमको पता है जितने सिद्धालय में आज तक सिद्ध हुए, क्या जितने सिद्धालय में आज तक सिद्ध हुए वो सिद्धों की संख्या कितनी है पता है? एक निगोद शरीर में पाए जाने वाले जीवों के अनंत में भाग, उससे अनंत गुणे जीव तो एक निगोद शरीर में है, और लोकालोक में निगोदे ठसाठस भरे, लोक में, लोका आलोक में नहीं, ठसाठस भरे। बहुमत के साथ रहना है ना, तो बहुमत तो निगोदियों का है, किसके साथ रहना? अभी सत्य क्या है मुझे ये निर्णय करना। हमने इस कुल में जन्म ले लिया इसलिए ये सत्य है। हम कुल की अपेक्षा से अगर इस धर्म को सत्य मान करके अंगीकार करते हैं तो
कि कुल परंपरा का धर्म हुआ, सत्य होने पर भी कुल परंपरा का हुआ। आ गया, ये धर्म नहीं है। परीक्षा करो, निर्णय करो कैसा है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं। आ गया, अब उसके बाद दिया, क्योंकि प्रकाश और अंधकार की भांति उपयोग और अनुपयोग एक ही साथ रहने में विरोध है। अंधकार ने भगवान से शिकायत की, भगवान बड़ा दुखी हूं, ये प्रकाश मेरे अस्तित्व को ही मिटा देता है। भगवान ने कहा बुलाओ प्रकाश को, प्रकाश को बुलाया गया कि लाओ अंधकार को। शिकायत थी ना उसकी कि लाओ अंधकार को, कि जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अंधकार के अभाव का नाम ही प्रकाश है। बराबर है। अंधकार और प्रकाश की भांति उपयोग, प्रकाश और अंधकार, तो प्रकाश क्या है? उपयोग वो है प्रकाश, और अंधकार क्या है? अनुपयोग, वो एक ही साथ रहने में विरोध है। गुरुदेव ने इसका अर्थ किया था, ये ज्ञानी के तो राग होता है कि एक ही साथ का मतलब क्या, कि एक, फिर गुरुदेव ने क्या अर्थ किया था कि एक होकर के रहने का विरोध है। एक साथ का मतलब एक जगह रह गए उसकी तकलीफ नहीं है, एक होकर के, कि ज्ञानी को राग होता है तो ज्ञानी को राग का ज्ञान होता है कि ये अनुपयोग है, ये जड़ है। और अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी राग में एकत्व करता है, यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। जड़ और चेतन कभी भी एक नहीं हो सकते। कभी भी जिस समय तू एक मान रहा है, अनादि काल से तूने एक माने हैं, तो जैसे आज जड़ और चेतन एक नहीं हुए, इसी तरह भले तूने अनादि काल से इनको एक माना हो, लेकिन अनादि काल से भी ये भिन्न भिन्न ही थे, तभी तो मिथ्यात्व है, एक माना। इसलिए तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो। क्या, क्यों प्रसन्न हो? अरे मैं कभी जड़ हुआ ही नहीं, मैंने अपने आप को जड़ माना, मैंने अपने आप को पुद्गल माना, मैंने अपने आप को रागादि रूप माना, लेकिन मैं कभी ऐसा हुआ ही नहीं। कहते प्रसन्न हो जा, इससे बड़ी प्रसन्नता का क्या बात है। अनादि काल से कोई कहे कि साहब इस कमरे में 50 साल से कमरा अंधेरा है, इसमें कभी लाइट हो ही नहीं सकती। अच्छा, कहा हमने बहुत प्रयत्न किया, अच्छे अच्छे मिनिस्टरों को सबको बुला लिया, हमने बड़े बड़े सबको बुला लिया, लेकिन इस कमरे में उजाला हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो क्या करें? ये कमरा हमारे किसी काम का नहीं, ला एक माचिस ला, जब काम का नहीं तो जला देना ना इसे, जो चीज काम की नहीं तो जला के खत्म करो। तो कमरे में जो ही माचिस की तूली जलाई कि बेटा ये क्या हुआ, तो प्रसन्न हो जा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ा है, तूने अपना बिगड़ा हुआ माना है, तेरा बिगड़ा कुछ नहीं है, प्रसन्न हो जा, प्रसन्न हो जा। अपने चित्त को उज्जवल करके सावधान हो और स्वद्रव्य को ही यह मेरा है इस प्रकार अनुभव कर। कितनी मधुर प्रेरणा। ये मैंने टीका इसलिए पढ़ी कि पूरा गुरुदेव का जितना आया उतना अपन और अभी आगे और चलेगा वो सुनेंगे, लेकिन टीका के माध्यम से भी एक बार पूरी बात आपके सामने आ जाए, किस उदाहरण में आचार्य देव ने क्या सिद्ध करना है वो सारी बात अपने सामने आवे। अपन अपने चित्त को उज्जवल करके, उज्जवल करके माने क्या, अपन ने अपने को रागादि रूप अनुभव किया, अब अपने को अपन उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा ओ मैं हूं ऐसा अनुभव करके आचार्य कहते भाई प्रसन्न हो जा। तेरी अप्रसन्नता, तेरा दुख, तेरे कष्ट हमसे नहीं देखे जाते,
तू एक बार अपने भगवान आत्मा का अनुभव करके प्रसन्न हो जा, और बाद में तो तू अनंत काल तक प्रसन्न रहेगा और तेरी इस प्रसन्नता की हम अनुमोदना करते हैं। शेष चर्चा कर ले।